आप देख रहे हैं आपका अपना सिटी चैनल। साजन साजन मैं करा, मेरा सजन गया परदेस, आया सोन लगी निजरा, ना चिट्ठी बिंदलू मनियो लाना यार, टिकलू मनियो लाना यार, ओ बसना राजे रे संस्कृति है, इसके ऊपर हमको हम लोगों को जो है प्राउड फील करना चाहिए कि हम चंबा के रहने वाले हैं और हम इतने रिच कल्चर को बिलोंग करते हैं, और हमारा जो जो हमारा रहन सहन है, हमारा खान पान है और जो हमारे गाने हैं वो बहुत प्रख्यात है, और
हमारे बच्चों को ये जानकारी पास ऑन होना जो है बहुत ज़रूरी है। और मैं इसीलिए जो हमारे इस इंडस्ट्री से जुड़े हुए जो लोग हैं, जैसे पीयूष जी हैं, इन्होंने आज मुझे बुलाया था इस गाने की लॉन्च के लिए, तो मैं स्पेशली इसलिए यहाँ उठ के आया हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ और मैं खुद भी ऐसा महसूस करता हूँ कि ऐसे जो लोग हैं जो हमारी संस्कृति को, हमारे गाने को बचाए रखने के लिए काम कर रहे हैं, उनको जो है मैं प्रोत्साहित कर सकूँ और आगे भी मैं करता रहूँगा। मैं एक बार आपको पीयूष जी मैं बधाई देना चाहूँगा और आने वाले वक्त के अंदर भी मैं आशा करता हूँ कि आपका योगदान जो है अपने क्षेत्र के लिए गायकी के ऊपर जो है पूरा रहे और जो हमारे नई पीढ़ी जो आ रही है उनको जो है आप हमारी पुराने गानों से जो है आप उनको जोड़ के रखें और उनको पता लगता रहे कि हमारी संस्कृति क्या है और क्या हमारे गाने। धन्यवाद। नमस्कार। आज जो मेरा गाना लॉन्च हो रहा है वो गाना अपने आप में एक बड़ी अहमियत रखता है और उसके जैसे कई ऐसे गाने हैं जो कि प्रोग्राम से पहले गाए जाते हैं जिनको कि गुंजड़ी मजार कहा जाता है, लेकिन उन गानों को ऐसी इतनी प्रेफरेंस नहीं दी जाती कि उनको उनको प्रोग्राम के दौरान ना तो कोई गाता है और कोई गाने की हिम्मत भी नहीं करता। वो इसलिए कि वो गाएंगे तो थोड़ा पब्लिक जो है वो हल्की मिलेगी और उनको उस पर डांस करने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ऐसा माहौल नहीं है कि ऐसे गानों पे जो स्लो नंबर्स होते हैं या जो जिसमें ट्रेडिशन झलक रहा है तो वो चीज़ जो है वो, लेकिन इस ऐसे तो ये चीज़ ख़त्म हो रहा है ना जी। तो आज की डेट में जो कुंजड़ी मल्हार गाने वाले हैं वो हालांकि उन्होंने मेंटेन रखा है इस चीज़ को, लेकिन उसके अलावा आर्टिस्ट जो हैं, आर्टिस्ट उन गानों को परफॉर्म करें तो मुझे पता है कि ऐसे जो गाने होते हैं, ये गाने आप जब रिलीज़ करते हो तो उसमें व्यूअरशिप बहुत कम आती है, तो मुझे कुछ ऐसा नहीं था कि मेरे को व्यूअरशिप ही चाहिए, मुझे ये था कि कम से कम रिकॉर्ड हो जाए, तो वो एक मतलब थ्रू आउट लाइफ वो चीज़ मेंटेन रहती है। तो मेरी यही कोशिश है कि हमारा जो पुराना कल्चर है, वो थोड़ा मतलब हाईलाइट होता रहे, तो इसलिए मैंने उस गाने को प्रोड्यूस किया। सर, इस गाने के थोड़े से बोल हो जाएं जो आपने अभी रिलीज करना है। सर, अच्छा, तो एक्चुअली क्या होता था कि हमारे जो गाने होते थे ये मतलब मौसम बेस्ड, राग बेस्ड और इसकी जो शब्दावली होती थी उसमें बड़ा जो तो वो माहौल क्रिएट किया जाता था, जैसे किसी का पिया परदेश गया है तो पीछे जो उसकी जो मतलब जो नायिका है वो उसका इंतज़ार करिए, तो वो चीज़ें गाने में झलकती हैं। जैसे सावन है तो सावन का भी वहाँ पे थोड़ा सा सावन का भी चित्रण किया गया है गानों में, तो मतलब सावन उसके हिसाब से, और मिंजर का जो माहौल रहता है उसमें खुशी भी है, थोड़ी बिरा भी है और थोड़ा कल्चर, सब कल्चर को भी लेके चलते हैं, तो ये होगा। सब थोड़े उसके गाने गुनगुना दें आप। हाँ, तो वैसे तो इन गानों को हम लोग रोज़ ही सुनते हैं, कुंजड़ी मल्हार का जो टाइम होता है जो भी 5-6 बजे यहाँ का ग्रुप बैठता है गाने के लिए, तो जो मैंने अभी प्रोड्यूस किया है वो थोड़ा सा मेरे हिसाब से होगा। बिंदलू मैंने टिकलू मैंने ओ बस राजे पहाड़ बिंदलू मैंने तो ये सॉन्ग है, तो ये हमारा क्लासिकल बेस्ड मतलब कल्चर है
तो उसको ये चीज़ जो डे बाई डे ख़त्म होती जा रही है। तो अच्छा, ये गाने ऐसे हैं कि उसके लिए सीखना भी बहुत ज़रूरी है, मेन चीज़ ये है। तो आजकल जो सिंगर्स ज़्यादातर गा रहे हैं वो बिना सीखे वाले भी हैं, इसलिए शायद इन गानों पे हाथ भी नहीं डालते। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो इसलिए मेरा ये प्रेस मीटिंग करने का और ये गाना लॉन्च करने का मकसद मेरा ये था। और ये मिंजर के टाइम में ही मैंने मतलब ये गाना लॉन्च किया। धन्यवाद सर। साजन साजन मैं करा, मेरा सजन गया परदेस, आया सौन लगी निजरा, ना चिट्ठी ते ना बिंदलू में नहीं ओ लाना यार, टिकलू में नहीं ओ लाना यार, ओ बसना राजे रे पहाड़, बिंदलू तेरे झूल
बजा तेरा देश बिंदलू मैं नहीं।